प्राचीन काल से हम अपने ग्रह पर मौजूद चमत्कारी चीजों को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। इस तरह की अधिकांश चीजों की व्याख्या वैज्ञानिक कर चुके हैं और उसके पीछे के कारणों को समझा चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है और उनकी व्याख्या भी समुचित ढंग से नहीं हो पाई है। आज हम ऐसी ही कई घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो आज भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिमिनी रोड की। 1930 के दशक में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडगर कैस ने दावा किया था कि 1968 या 1969 में खोए हुए शहर अटलांटिस के खंडहर बिमिनी में मिलेंगे। सितंबर 1968 में उत्तरी बिमिनी में पैराडाइज पॉइंट के पास समुद्र में 700 मीटर लंबे बड़े करीने से रखे गए चूना पत्थर के ब्लॉक पाए गए थे। उन्हीं ब्लॉक्स की श्रृंखला को अब बिमिनी रोड कहा जाता है। कुछ को लगता है कि ये प्रसिद्ध सभ्यता अटलांटिस के अवशेष हैं, तो दूसरों का मानना है कि ये सी बेड डीपेनिंग का परिणाम है। चलिए बात करते हैं डांसिंग प्लेग घटना के बारे में। जुलाई 1518, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। मिसेज ट्रॉफिया ने नाचना शुरू किया और फिर रुकी ही नहीं। एक सप्ताह बाद 34 और लोगों ने उनके साथ डांस करना शुरू कर दिया। एक महीने के बाद नाचने वालों की संख्या कई सौ तक पहुंच गई। वो बिना रुके नाचते रहे। परिणाम ये हुआ कि 400 लोग थकावट, दिल के दौरे या स्ट्रोक से मर गए। इस घटना का कोई संतोषजनक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। कोई भी सिद्धांत कई दिनों तक बिना रुके नाचते रहने के लिए जरूरी शक्ति की व्याख्या नहीं करता है। अब बात करते हैं एंड्रयू कार्लसन की। 2003 में FBI ने स्टॉक एक्सचेंज घोटाले के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। स्टॉक मार्केट में 126 बहुत जोखिम भरे डील करके उसने $350 मिलियन की कमाई की। हालांकि उसने उसके लिए सिर्फ $800 का निवेश किया था। गिरफ्तार होने के बाद एंड्रयू ने कहा कि उसे स्टॉक्स के बारे में जानकारी भविष्य से मिली है। उसके अनुसार वो साल 2256 से टाइम मशीन के जरिए आया था। बाद में किसी ने उसके लिए $1 मिलियन का बॉन्ड भरा और एंड्रयू कार्लसन हमेशा के लिए गायब हो गया। उबलती हुई नदी। एंड्रेस रूजो नाम का एक छोटा लड़का अक्सर अपने दादा से एक ऐसी नदी के बारे में सुनता था जो अपने पानी में अपने दुश्मनों को उबाल दिया करता था। वो इस नदी को खोजने का सपना देखा करता था। बड़े होने पर वो एक भूविज्ञानी बन गया। गाइड के रूप में एक स्थानीय व्यक्ति को साथ लिया और 2011 में नदी की खोज की। नदी के पानी का तापमान लगभग 86 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 186 डिग्री फारेनहाइट था। इसके अस्तित्व का चमत्कार ये है कि नदी निकटतम ज्वालामुखी से 700 किलोमीटर दूर है। तो चलिए बात कर लेते हैं बर्लॉर्न म्यूजियम से एक तस्वीर की। ये तस्वीर 1941 में कनाडा में गोल्ड ब्रिज के उद्घाटन को दिखाती है। भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा है जो 1940 के फैशन के अनुसार बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें आप उस आदमी को 21वीं सदी की स्टाइल के जिप वाली हुडी, लोगो वाली टी शर्ट पहने और हाथों में एक पोर्टेबल कैमरा लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं अमेजन वर्षा वनों के जियोग्लिफ्स की। अमेजन वर्षा वनों के खुले लैंडस्केप का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों को जमीन पर कई नक्काशीदार चित्र दिखे जिसको जियोग्लिफ्स कहा जाता है। विशेषज्ञों ने ब्राजील और बोलिविया के उत्तरी भागों में 450 जियोग्लिफ्स की खोज की है। सबसे प्राचीन जियोग्लिफ्स 3,000 से 3,500 साल पुराने हैं। प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत का दावा है कि ये निर्माण आम बैठकों, चर्चाओं और अनुष्ठानों को आयोजित करने के लिए किए गए थे। अब आखिरी में बात कर लेते हैं भूतिया जहाज कैरोल ए डियरिंग की। कैरोल ए डियरिंग एक अमेरिकी वाणिज्यिक जहाज था जो आगे चल के एक प्रसिद्ध भूतिया जहाज बन गया। ये 1921 में बिना चालक दल के जमीन पर फंसा हुआ पाया गया था। जहाज का किचन खाने से भरा था। लॉग बुक, व्यक्तिगत सामान, लंगर और नेविगेशन उपकरण गायब थे। इसका स्टीयरिंग कंट्रोल टूटा हुआ था। 1922 के अंत में बिना किसी आधिकारिक निष्कर्ष के इसके जांच को रोक दिया गया। ये थी कुछ रहस्यमयी घटनाएं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी घटना के बारे में पहले से जानकारी थी तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।